बहुत अच्छी चीज है, हर एक एकेडमी वाले को ये करना भी चाहिए। अगर किसी बच्चे को मेडिकल संबंधी कोई समस्या है तो उसको आप रख के कि हाँ मेडिकल में मैं करवा दूंगा, वो करवा देंगे, ये करवा देंगे, अपनी सेटिंग है, इतना तो चलता है, ये न करवा कर आप उसका जो है प्रॉपर इलाज करवाएं। जैसे कि ये एक बच्चा है, कहाँ से है? बालोतरा बाड़मेर से। ये बच्चा आया, अभी इसकी भर्ती है 10 दिन बाद में, लेकिन इसने पहले सोचा कि ये छोटा सा हो रखा है, तो यहाँ पे मैद जो थी, मैद ही थी, वो छोटी थी लेकिन बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई ये बाहर दिखने लग गई। और जब मुझे पता लगा तो मैंने इसे तुरंत डॉक्टर के पास भेजा, डॉक्टर ने मैद निकाली, तेरी कोई तकलीफ हुई निकालने में? और इस मैद से किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन आर्मी में जो है आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि आपको जो है मेडिकल पॉइंट मिलता है इसका। तो इस वजह से इसकी हमने यहाँ से निकलवाई। कितना रुपए का खर्चा आया तेरा? 500 से 700 रुपए। 500 से 700 रुपए में मात्र ये मैद निकल गई। लेकिन डॉक्टर थोड़ा अच्छा हो, एकेडमी के जो लोग हैं उनका परिचित होना चाहिए, जो कि बच्चों को लूटे नहीं कि इसके तो 10,000 ऑपरेशन के लगेंगे, 20,000 लगेंगे। 500 से 700 रुपए में तेरा काम हो गया। आज ये पट्टी चेंज होगी और उसके बाद में जैसे इधर का कंधा है वैसे ही सेम ये कंधा हो जाएगा, बस इतना सा मामूली सा एक कट लगा और मैद निकल गई। तो इससे आप मेडिकल पॉइंट में आसानी से बच सकते हो। पहले का इसका मैद का फोटो देखो, आपको ये फोटो दिखाई दे रहा है, इसे ही मैद बोलते हैं और इसका आर्मी में पॉइंट मिलता है। तो ये एक जिम्मेदारी पूर्वक काम होता है उन एकेडमियों के संचालकों का, जहां पर बच्चे जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं, फौज का एक सपना देख रहे हैं। तो सभी से यही निवेदन है कि बच्चों को ऐसी समस्याएं हो छोटी मोटी, जैसे लिंग के अंदर वो चमड़ी का ऑपरेशन हो जाए, चाहे फिमोसिस हो, दो छेद हो, तो ऐसे छोटी मोटी चीजें हैं वो आप इनको बता के इनका ये रिमूव करवा दें, ताकि इनका जो भविष्य है वो उज्ज्वल रहे और इनकी मेहनत जो है उसके बल पर इनको सफलता मिल सके। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।